अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर. आज मैं स्पोर्ट्स अपडेट्स के साथ मैं हूँ फातिमा सलीम. एंड यू नो हमने ऑफ कोर्स बात तो ज़रूर करेंगे पाकिस्तान लॉस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन T20 सीरीज, जहाँ सब बात कर रहे हैं, फैंस पूछ रहे हैं कितने फास्ट इवॉल्विंग क्रिकेट है T20, उसमें पाकिस्तान क्यों इतना स्लो हो गया है और कितना ऐसी अप्रोच के साथ जा रहा है विच इज़ आउटडेटेड. सो हाउ कैन वी इम्प्रूव एज ए T20 टीम? बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे हमारे जो फैंस हैं उन लोगों ने भी सवाल पूछे हमारे एक्सपर्ट से कि क्या हो रहा है भाई. वी नीड टू टॉक अबाउट दिस टू दिस टू. एंड ऑफकोर्स बहुत सारे ये भी सजेशन आ रहे हैं कि यू नो साइम अयूब को इंक्लूजन, शुड वी ब्रिंग बाय फ़खर जमान. कुछ फैंस ने ये भी मैसेज किया कि इमाद वसीम में T20 प्लेयर है, उनको भी आप करें, यू नीड मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स. सो दैट इज सम टॉपिक वी विल टॉक अबाउट. उसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी की क्या अपडेट्स हैं? डू वी हैव अ स्केड्यूल येट? नो वी डोंट, स्टिल वेटिंग फॉर दैट. एंड जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने खेलनी है 3 ODI, जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने खेलनी है सीरीज, उसमें 3 ODIs हैं एंड 3 T20 मैचेस. उसका आगाज़ 24 नवंबर से हो जाएगा. सो उसकी क्या अपडेट है, हुज़ इन द स्क्वाड, वो भी आपको बताएंगे. एंड व्हाट एल्स, चले फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं और वो है अबाउट पाकिस्तान न्यू बैटिंग कोच विच इज़ शाहिद असलम. जो बहुत सारे लोग जिनको क्रिकेट जानते हैं, फॉलो करते हैं, वाबस्ते हैं, उनको पता होगा शाहिद असलम हैज़ बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उनको कोई रोल्स मिलते रहते हैं, आप उनको ऐसे रोल्स में देखते रहे, बट ही विल बी गोइंग एज अ बैटिंग कोच टू साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे. उनकी प्रोफाइल पर भी नज़र डालेंगे. एंड क्या हुआ था कुछ दिन पहले, भाई मोहम्मद यूसुफ ने रिज़ाइन कर लिया था एज अ बैटिंग कोच. अब PCB ने मोहम्मद यूसुफ की रेजिग्नेशन कबूल नहीं किया, मतलब वी डोंट एक्सेप्टेड, मगर हम आपको कुछ और ऑफर्स, कोई और डेजिग्नेशन 3 ऑफर करेंगे जिससे आपको चूज़ करना पड़ेगा. सुना है कि अब्दुल रजाक को भी कुछ जॉब्स ऑफर होंगी या कोई डेजिग्नेशन ऑफर होगी. सो उसकी अपडेट्स होंगी. एंड PCB कह रहे हैं कि हमें अभी स्पिन बॉलिंग कोच की सर्च है, वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू स्पिन बॉलिंग कोच. कौन गेसेस कर सकता है कि कौन होगा? यू नो आई गॉट द परफेक्ट टीम फॉर दैट. जल्दी से इंट्रोड्यूस करती हूँ. मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर एम एस शहजाद, जिन्होंने मुझे लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है. एंड मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी. एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ ने भी ज्वाइन कर आपके पास पहले आते हैं भट्टी साहब. चले अहमद भी हमारे साथ है, तो अहमद से पहले बात कर लेते हैं. अहमद भट्टी साहब हम लोग भट्टी साहब से इसलिए पहले बात करते हैं कि वो जरा एक जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव हमें बता देते ना क्या कुछ हो रहा है. सो भट्टी साहब थोड़ा समराइज करें और बताएं कि क्या कुछ हो रहा है. कोई रिजाइन कर रहा है, कोई प्रमोट हो रहा है, एक स्पिनिंग कोच की भी, स्पिन बॉलिंग की कोच की जरूरत है. सो व्हाट्स रियली हैपनिंग इन PCB हेडक्वार्टर्स? देखिए फातिमा, रिजाइन तो कोई भी नहीं कर रहा है. जिनको पदों से हटाया जाता है वो भी पूरी तनख्वाही लेते हैं. आपने शाहिद असलम का बता दिया, स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट वो भी जल्दी आ जाएंगे. लेकिन पिछले 3-4 दिन पहले की बात है, वहाब रियाज ने भी खामोशी से PCB में एंट्री दी. कुछ लोग कह रहे थे फला पोस्ट पे आ रहे हैं, कोई कह रहे थे कहीं आ रहे हैं. अब मैं आपको एग्जैक्ट डेजिग्नेशन वहाब रियाज का बता दूं. वहाब रियाज अब PCB में आ गए हैं डायरेक्टर, टूर्नामेंट डायरेक्टर चैंपियंस कप. तो मतलब ये वो लोग जब जून में डिबेटल हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, उसके बाद बाहर हुए थे. फिर मोहम्मद यूसुफ की कुछ नाराजगी थी शाहिद के आते, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ को साइडलाइन कर दिया गया. अब उन्होंने रिजाइन किया, उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया. लेकिन शाहिद असलम मुझे आज भी याद है, मैं 2010 में ऑस्ट्रेलिया में था जब पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज खेलने गई हुई थी, उस वक्त भी शाहिद असलम टीम के साथ थे. अहमद 2015 में हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में थे, वहां शाहिद असलम, तो शाहिद असलम मेरे ख्याल में लॉन्गेस्ट सर्विंग कोच है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के. वो डिफरेंट पोजीशंस पर आते रहते हैं. थ्रो डाउन के लिए वैसे मैंने उनको देखा है, उनके चूंकि शोल्डर्स स्ट्रांग हैं और आपको पता है कि जिनके कांधे मजबूत होते हैं वो फिर PCB हेडक्वार्टर के उस कॉरिडोर से निकलते हैं। I really want to know कि ये इसमें क्या पन था जो कांधे मजबूत होते, क्या बात की आपने. अब जो समझने वाले हैं वो समझ भी सकते हैं बट वॉट यू ट्राइंग टू से. बट अहमद आपके पास भी आएंगे, शाहिद असलम के बारे में पूछेंगे. वाइल यू टॉकिंग अहमद, हम साथ स्क्रीन पे यू नो जस्ट फॉर पीपल, बहुत सारे लोग शायद उनको यू नो नॉट फेमिलियर विद हिम, तो उनके थोड़े करियर पे भी नजर डालेंगे कि वो कहाँ कहाँ किस रोल में देखने देखा है. आप लोगों ने लाहौर कलंदर्स में भी देखा होगा उनको, उन्होंने वेमेन क्रिकेट टीम में भी यू नो पाकिस्तान टीम को कोचिंग की है. सो वो भी हम साथ साथ आपको फिर प्रोफाइल देखे गाएंगे. बट अहमद, व्हाट इज योर टेक ऑफ शाहिद असलम एज अ बैटिंग कोच? ही हैज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब लाइक हम नए नए टीम के अंदर भी आए थे तो शाहिद भाई वहाँ मौजूद थे, टीम के साथ होते थे. और शाहिद भाई जो है, जो नॉकिंग है ना,
वो बहुत जबरदस्त कराते हैं। वो मैच से पहले जो प्रेपरेशन है बैट्समैन की वो अच्छी कराते हैं, जिसमें मतलब अगर स्पेशली जब वो दिल से करा रहे हैं और थके ज्यादा ना हो, क्योंकि हर बंदा उनको पकड़ लेता है, एक जान है तो वो इंसान थक ही जाता है। तो जब वो बैलेंस पे काम करते हैं आपके, आपका बैलेंस जरूर अच्छा हो जाता है, उससे आप मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग बैटिंग करवाते हैं, वो नॉकिंग करवाते हैं। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है और जो पाकिस्तान लैग कर रहा है वो पावर हिटर्स हैं। अब इनको पावर हिटिंग की कितनी नॉलेज है, या इस जो, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान नीड को, जो पाकिस्तान टीम को इस टाइम पावर हिटिंग की जो है क्लासेस लेनी है, कोचिंग लेनी है, तो उसकी इनको कितनी नॉलेज है, या इन्होंने कोई कोर्स वगैरह किया है, या बाहर अभी ये टाइम लगा के, इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन क्योंकि शाहिद भाई बड़े बैट्समैन के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, पास के अंदर मोहम्मद यूसुफ से लेके यूनस खान से लेके सारों के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, तो इनको आइडिया तो है एक बैलेंस का, लेकिन कोचिंग और फिर पावर हिटिंग ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है। बट प्लेयर्स इनके साथ कंफर्टेबल हैं, बड़े अरसे से टीम के साथ ही हैं, सो कुछ ना कुछ तो है, चलें, इट्स गुड, इट्स बेटर। ठीक है, राशिद लतीफ भी हमारे साथ है, बाकी कोई बात नहीं राशिद, अगर पावर हिटिंग नहीं कर सकते तो पावर हिटिंग कोच भी हायर कर सकते हम लोग, नहीं अलग से जी। फातिमा जी अहमद बात कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ा था कि इनके पास लेवल फोर पाकिस्तान के चंद लोग हैं जिन्होंने लेवल फोर कोचिंग कोर्सेज किए हुए हैं, उनमें से एक शायद असलम भी जी राशिद भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं शायद असलम के बारे में, और जिस तरह अहमद कह रहे राशिद लड़के उनके साथ कंफर्टेबल है, उनको इतने सालों से उनके साथ देख रहे हैं, मगर पावर हिटिंग वाली बात बहुत अच्छी की है, मगर कोई मसला नहीं, अगर कुछ होगा तो पावर हिटिंग की भी एक जॉब है अवेलेबल, वो भी कोच हायर कर सकते हैं अलग से। इसमें जैसे आप शाहिद भाई की बात कर रहे हैं और नॉलेज रहे हैं, बहुत एजुकेशन के ये मैनेजर होते थे, एजुकेशन जो क्रिकेट बोर्ड की होती है परफॉर्मेंस सेंटर में एनसीए में, उसमें ट्यूटर भी हैं और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ उसमें करवाते हैं मैचेस, थोड़ा मेरा भी काम करने का मौका मिला है पीसीबी के साथ या आईसीसी के जो लेवल थ्री होते हैं तो उसमें ट्यूटर से ही है, तो ये डिफरेंट फील्ड होती है, इसमें ये बहुत अच्छे हैं, अच्छा होने भी चाहिए क्योंकि आपका उस्ताद अच्छा होता है। तो उसमें अब जो अपॉइंटमेंट की बात है उसमें ये होता है कि कौन सा कोच कंफर्टेबल है, अगर आसिफ जावेद को देखते हैं कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होंगे, उनके साथ ये हैं, जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर कजाफी स्टेडियम में बराबर में खुला था तो आसिफ जावेद, मुलस्सी नजर, मंसूर राणा, सॉरी साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं यहीं से आपकी कॉन्वर्सेशन करूंगी, ये मुझे न्यूज ब्रेक के लिए अर्जेंटली जाना है, फिर आपको दोबारा मिलते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, कॉन्वर्सेशन को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, हम लोग बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह शाहिद असलम को न्यू बैटिंग कोच बनाया, एक बैटिंग स्ट्रैटेजी को एक नया लुक देने के लिए, फ्रेश लुक देने के लिए शाहिद असलम को अपॉइंट किया गया है। अब सवाल ये होगा कि उनकी रिलेशनशिप विद थेट आकिब जावेद के साथ कैसी होगी एंड हाउ विल दे वर्क टुगेदर विद द बॉयज़, तो हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, मेरे साथ हैं टेस्ट क्रिकेटर एम ए शहजाद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ। राशिद आपसे ही हम कॉन्वर्जेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे, सॉरी हमने बीच में रोकना पड़ा था, मगर यही कि यू नो इनकी रिलेशनशिप शाहिद असलम की और आकिब जावेद की कैसे होगी एंड यू नो हाउ दे वो क्या एक नई बैटिंग परस्पेक्टिव लेकर आ सकते हैं, तो दिलचस्प होगा देखने क्योंकि उनका पहला टेस्ट तो अभी कुछ ही दिनों में है। ठीक है ठीक है, विल जस्ट स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेशन, बट यू नो अहमद आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टेस्ट इज एक्चुअली ये टूर इन साउथ जिम्बाब्वे फिर साउथ अफ्रीका, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि किस तरह की पूरी केमिस्ट्री बिल्ड होती है, इट एक्चुअली माइट वर्क। जब एकेडमी में अपना स्टेंट कर रहे थे एनसीए वगैरह में तो वो शाहिद असलम साहब वहाँ मौजूद थे और शायद आकिब भाई की रजामंदी से ही शाहिद असलम को भी अपॉइंट किया गया है। एज आई सेड के इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कोच के लिए कि अपने लाइक माइंडेड लोगों को साथ लेके आए ताकि वो उस तरह का काम कर सके जो वो एक प्लान बना के आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आकिब भाई की इसमें रजामंदी बिल्कुल मौजूद है और एट द सेम टाइम प्लेयर्स भी शाहिद असलम के साथ यू नो कंफर्टेबल हैं, बट एट द सेम टाइम देखना ये है कि इस बैटिंग लाइनअप के साथ शाहिद असलम क्या डिफरेंस ला सकते हैं, मतलब क्या वो कर पाएंगे कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट से पाकिस्तान क्रिकेट इतना पीछे रह गई है T20 में, तो वो किस तरह उसको जो है ना ठीक कर पाएंगे, और जो टेस्ट की हमारी रैंकिंग्स हैं, फिर
हमने भारत को देखा है कि वो 300 टच कर रही है T20 के अंदर, तो शाहिद असलम के पास क्या इसका फॉर्मूला मौजूद है कि क्या वो इस तरह का कोई मैजिक कर पाएंगे कि जो दूसरे नहीं कर पाए? देखना है, वेट एंड वॉच वाली कहानी है, बट जहां तक उनकी अपॉइंटमेंट की बात है, प्लेयर्स उनके साथ कंफर्टेबल होंगे, एट द सेम टाइम आई थिंक आकिब जावेद भी कंफर्टेबल, एंड वी शुड गिव इट मोर टाइम। आई थिंक एक कन्वर्सेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी जब टाइम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट, जो वो अपना असाइनमेंट शुरू कर दें, फिर इस पर हम लोग और बातें करेंगे। तो शाहिद असलम पे तो हमने कन्वर्सेशन हमारी हो गई है, अब हमें बताना है जिम्बाब्वे टूर का, जो यू नो इंटरेस्टिंग केस आप सोचे क्रिकेट खत्म हो गया, देयर इज नो नो ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अभी ओडीआई सीरीज खेली है जिम्बाब्वे, देन T20, then we go off to South Africa. तो first ODI जी 24 November को खेला जाएगा और 10 हमारे जो क्रिकेटर्स हैं आज पाकिस्तान से रवाना होंगे। So that's a schedule in front of you. 24 November को बुलवायो में पहला one day है, 26 November को दूसरा, same venue, and then 28 November को तीसरा और आखिरी one day match खेला जाएगा, and then the T20 series starts with 1st, 3rd and 5th December. तो लेट्स सी के हमारे जो यंग गन्स हैं एंड फ्रेश फेसेस हैं, व्हाट दे डू, एंड ऑफ कोर्स अ न्यू कोचिंग स्टाफ एज वेल। एंड राशिल दीप, अब आई होप मेरे साथ हो, उनको मेरी आवाज़ आ रही हो। राशिल भाई, आई थिंक आज भी हमारे 10 क्रिकेटर्स जा रहे हैं जिम्बाब्वे, इसमें आमिर जमाल है, इब्रार अहमद है, आई थिंक बहुत सारे लोग वापस एक्साइटेड है साइम अयूब को देखने के लिए, बिकॉज उन्हें जो झलक दिखाई हमें, पीपल आर लविंग इट, वो उनको T20 में भी देखना चाहते हैं, एंड ऐसे स्टार बन गए कि पीपल वॉन्ट मोर ऑफ हिम। जी, साइम अयूब को जरूर देखना चाहते हैं और उन्होंने प्रूव किया, उनको चांसेस मिले और उन्होंने बताया कि वो अच्छा खेल सकते हैं अच्छी टीम के खिलाफ और ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ पे मुश्किलात होती हैं। और मजा उसमें भी है कि आमिर जमाल को हम देखना चाहते हैं कि उनको ट्राई नहीं किया ऑस्ट्रेलिया में, T20 की टीम में स्क्वाड में नहीं थे वो, लेकिन ओडीआई स्क्वाड में जो ट्राई नहीं किया गया, तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि शायद आगे जाके पाकिस्तान टीम की जरूरत बने और जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा उनको ऑस्ट्रेलिया टूर पे, इंग्लैंड में सिर्फ इफेक्टिव बॉलिंग में नहीं हो पाए क्योंकि फ्लैट पिचेस थी और या ट्रेनिंग पिचेस थी। नए प्लेयर्स बहुत सारे जा रहे हैं आ रहे हैं, अब हमें ये देखना है क्या हम लोग इन पे रिलाई करेंगे वर्ल्ड कप में 2026 में, या ये ट्राई एंड टेस्टेड है, ट्राई कर रहे हैं कि हम इन प्लेयर्स को देखते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे हमने बात की थी साइम अयूब की बात की थी और CSL की परफॉर्मेंस की बात की थी, क्या उनको सिलेक्ट किया गया है, और सिलेक्ट करते हुए सिर्फ स्टैट्स नहीं देखने चाहिए, जो कट और पुल अच्छा खेलता हो। आजकल डिमांड क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में, मोस्टली प्लेयर जो हमारे आ रहे हैं बहुत रन कर रहे हैं लेकिन वो लो बाउंस पे रन करके जब इंटरनेशनल में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे कट एंड पुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाई बाउंसर को क्रॉस शॉट मारनी है तो क्या उसको पॉप कर सकते हैं। तो अभी हमने फेलियर देखा कुछ प्लेयर का बाउंसी विकेट पे, लेकिन उनको टाइम भी कम मिला, लेकिन गुड लक जो नए प्लेयर आ रहे हैं और आकिब जावेद को एक नया टास्क मिला है पाकिस्तान क्रिकेट का एज ए हेड कोच, तो हम बेस्ट विकेट कर सकते हैं और जैसे परफॉर्मेंस करते रहेंगे नहीं करते रहेंगे उस पर हमारे तबसरे जारी रहेंगे। राशिद, आपसे जरूर हम मिडिल ओवर्स का भी पूछेंगे कि जहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि फ्रेश फेसेस आए ओपन करने आए, यू नो हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कामरान गुलाम भी होंगे, फैसल अकरम है, अहमद दनियाल है, अब्रार अहमद हैं, यू नो वी हैव अ गुड ब्लेंड ऑफ ऑल दीज न्यू फेसेस, मगर मिडिल ओवर्स का भी एक स्ट्रगल है जो हम लोग नहीं कर पा रहे, मोमेंटम मेंटेन, जब आपके क्रूशल विकेट्स जाती हैं आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है, तो इस पर भी बहुत मेहनत होनी है एंड वी वॉन्ट टू सी दैट स्पेशली T20 में। कुछ प्लेयर्स जैसे कामरान गुलाम को हमने देखा वो किस नंबर पे लाहौर कलंदर में खेले, फिर कासिम अकरम कराची किंग्स में थे, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड से शायद ज्यादा मैचेस नहीं खेले, वो एक अच्छे प्लेयर थे अंडर-19 में जब आए थे, उनको मौके नहीं मिल सके क्योंकि वो जो थे T20 में और वनडे में अच्छा सेटल हो सकते थे जिस वक्त आए थे। ऑफ स्पिनर साथ में बैटिंग जो सेंचुरीज करते हो ODI में लिस्ट ए में या अच्छी बैटिंग कर सकते हो T20 में, तो उनको थोड़ा डिले किया गया, शायद आगा सलमान की वजह से उनको इतने मौके नहीं मिले, लेकिन अब वो टीम में आए तो वो देखते हैं किस पेस से खेलते हैं। इशू हमारा स्पिनर के साथ साथ हमें थोड़ा बहुत इशू या ज़्यादा इशू कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर में तो है, बॉलिंग में भी मिडिल में है और बैटिंग में भी हमारा वनडे क्रिकेट में और T20 में नजर आ रहा है, स्टैट्स बता रहे हैं जी। लेकिन दो तीन प्लेयर ऐसे हैं जो कि टॉप ऑर्डर में, हारिस हो जाए वो तेज खेल सकते हैं, साइम तेज खेल सकते हैं, सऊद शकील ने खेल के दिखाया क्वेटा ग्लेडिएटर के लिए लास्ट ईयर, लेकिन क्योंकि रिजवान
और बाबर या साहिब अयूब मौजूद थे, जिसकी वजह से उनको कंसिडर ही नहीं किया गया वाइट बॉल में। शायद उनको भी आप कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, थैंक यू सो मच राशिद लतीफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड बाबर आजम, शाहीन शाफरी, दिन हारिस ऑफ विल बी कमिंग बैक एंड नॉट बी पार्ट ऑफ द जिम्बाब्वे टूर, जस्ट हेड्स अप। मगर कौन कौन जा रहे हैं? मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, सॉरी हारिस ऑफ भी जा रहे हैं, इरफान खान और हसीबुल्ला, वो भी ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे पहुँच जाएंगे। वेल ये जिम्बाब्वे टूर की अपडेट्स हैं और भी देखते रहेंगे आपको। बट चैम्पियंस ट्रॉफी वेस स्केड्यूल क्या होने वाला है, क्या अपडेट्स है, पीसीबी के चीफ ने इसके बारे में क्या कहा है, उनका क्या इस पूरे चीज़ पे मेंटेन कर रहे हैं अपना स्टांस, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। उन्होंने कल कज़ाफी स्टेडियम में बात की है और फिर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे इस पर। हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। और दूसरा, अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पर रहेंगे। आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करना है और मुझे उम्मीद है कि जल्द अनाउंस करेंगे और हम खुद वेट कर रहे हैं शेड्यूल का कि वो अनाउंस करें ताकि उस हिसाब से तैयारियाँ करें। टेम्प्ररी तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ्राई सर अंजाम दे दें। उसकी वजह ये है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। बटी साहब, आपसे जल्द से क्विक अपडेट दे कि हमारा स्केड्यूल अब कब तक उसकी डेडलाइन है, मतलब कब तक हमें इशू करना है आईसीसी को? फातिमा, जो डेडलाइन थी वो तो खत्म हो गई, अब तो अराउंड मेरा ख्याल 90 या 85 दिन टूर्नामेंट शुरू होने में बाकी है। लेकिन जो अपडेट आ रही है, कहा ये जा रहा है कि थर्सडे को शायद आईसीसी टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस करे। लेकिन जो मेन बात जो मोहसिन नकवी साहब ने कल की थी कि पीसीबी ने जो लेटर लिखा था उसका जवाब नहीं आया, सही है? तो या तो फिर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, ठीक है? नो, एग्जैक्टली आई वांट टू नो अहमद, आई थिंक बातें हैं, लेकिन शेड्यूल कहा जा रहा है, ठीक है? आई एम सो सॉरी शायद बच्चे सब में बहुत कम टाइम है अहमद, आई थिंक इट शुड बी अ Zoom कॉल, क्योंकि एक Zoom कॉल करनी चाहिए, तीनों को साथ बैठ के बात करके रिजॉल्व करना चाहिए, वही वी वांट रिजल्ट। देखिए फातिमा, उस पहले दिन राशिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अभी तक भारत की तरफ से उनके चेयरमैन का एक भी बयान नहीं सामने, कुछ भी सामने नहीं आया, सिर्फ वो मीडिया को यूज कर रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट को यूज कर रहे हैं और मार्केट में देख रहे हैं एक चीज फेंक के क्या रिजल्ट आ, ठीक है? एमएस, आई एम सो सॉरी, रनिंग आउट ऑफ टाइम, आप बिल्कुल अब सही कह रहे हैं, देयर हैज टू बी अ सॉलिड कन्वर्सेशन, तीनों को साथ बैठ के बात करनी चाहिए एंड वी वांट अ रिजल्ट सून। चैंपियंस ट्रॉफी की जो भी अपडेट्स होंगी आपको मिलेंगे जे न्यूज़ पे, अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, विल सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।